हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, सभी कमांडो यहां पर ध्यान देंगे कि नेवी SSR से संबंधित आपको न्यू वैकेंसी से संबंधित इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर आपको अपडेट मिल चुका है, और जिसमें बताया गया कि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके जो फॉर्म है वो आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स थोड़ा सा सबसे ज़्यादा इनकी जो प्रॉब्लम है वो DOB से संबंधित है, एज लिमिट से संबंधित है, ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। देखिए, इस वीडियो का यदि आप पूरा देख जाएंगे, आपको सारे हर एक प्रूफ वाइज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट बताया जाएगा। सारा नोटिफिकेशन इंडियन नेवी ने रिलीज़ किया है, नहीं किया है, कौन सा नोटिफिकेशन है, क्या है, कौन सी साइट कहती है और किस साइट को हमें रियल मानना चाहिए, जो DOB हमें बता रही है। ठीक है, वैसे वीडियो को आप डिसलाइक बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों की एज लिमिट वहाँ क्राइटेरिया में नहीं आएगी वो क्या करेंगे, उस वीडियो को डिसलाइक ही। जो होता है भाई वो कड़वा होता है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने भी एज लिमिट से संबंधित ज़्यादा रिक्वायरमेंट में कोई प्रोसेस नहीं की थी। एक मैं आपको बात बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी है, ध्यान रखना कि क्या हुआ था कि पिछला नेवी SSR की जो अब आपको पता है कि लॉकडाउन के अंतर्गत ज्वाइनिंग हुई थी, जो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है PFT के लिए बुलाया गया था इसमें बीच में, तो उसमें क्या हुआ था कि उनके बैच है उसको वहां पर ज्वाइनिंग के समय जो उनका बैच जो कि 2020 का बैच था, यानी कि 2020 का जो बैच था उसको चेंज करके उनका अलग जो बैच 2021 का जो अलग से बैच था उसमें चेंज कर दिया गया था। मतलब जो बीच के जो वैकेंसीज है, जो बैचेज है, उनको इंडियन नेवी ने खाली कर दिया था, और अन्य जो अपडेट है बैच है उनके द्वारा वहां पर बना दिया गया था, क्योंकि इसके बाद जो भी वैकेंसी डालेंगे तो अगले बैच से वो स्टार्ट वहाँ पर हो जाएगी। सबसे मेन बात तो ये थी जो कि एक ज्वाइनिंग के समय एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर हमारा बैच है यहाँ पर चेंज करा दिया है, अपडेट करा दिया गया था। अब चलते हैं एक साइट पर जो कि यहाँ पर आपका अपडेट दे रही है, उसको भी आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप एक साइट पर जाएंगे जिसमें हम कह सकते हैं ये होगी फर्स्ट जॉब, ठीक है, इस पर आपको जाना है। जैसे इस पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक साइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, इस साइट पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसमें स्क्रॉल करते जाएंगे, इस साइट की कुछ खामियां भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको मैं यहां पर बताऊंगा। देखिए, यहां पर क्या होता है कि न्यू अपडेट में दिया गया है नेवी SSR ऑनलाइन फॉर्म अगस्त 2020 फुल नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लियर करना है क्लिक, क्योंकि इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर कोई नोटिफिकेशन ली है, लेकिन इन बंदों ने कर दिया कि 2500 पोस्ट है और आपके एज लिमिट है वो दी गई 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगी। आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट साइट्स है और इनका कोई भरोसा नहीं होता, वैसे अपने ट्रैफिक सोर्सेज के लिए करती हैं। और नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था। इसमें खामियाँ भी बहुत देखने को मिली हैं, जैसा कि अदर यूट्यूबर ने भी इसके बारे में बताया है। तो ये इंडियन नेवी SSR से संबंधित है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिटन टेस्ट जो होगा आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और कोई भी ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित डिस्कशन नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी, पोस्ट के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ट्रैफिक लाने के लिए और इस साइड ऐसा किया गया है, और ये अभी इंडियन नेवी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है उसकी ऑफिशियल साइट पर, इसलिए इसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ पर DOB क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है, और इंडियन नेवी ने पहले भी कह रखा है, सुझाव दे रखे, कोई भी फेक एडवर्टाइजमेंट इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट के अलावा प्रोवाइडेड होता है तो उसको हम फेक मानेंगे। दूसरा एक थोड़ा विश्वसनीय साइट की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि दूसरी एक विश्वसनीय साइट हमारी जो है वो सरकारी एग्ज़ाम है। देखिए, सरकारी एग्ज़ाम और सरकारी रिजल्ट जो साइट है उसमें मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बता देता हूँ कि सरकारी एग्ज़ाम जो साइट है उस पर कोई भी न्यू अपडेट आता है तो सबसे पहले सरकारी एग्ज़ाम पर बताया जाता है, और वो अपडेट जब कंफर्म क्लियर हो जाता है तो उसको सरकारी रिजल्ट पर अपलोड कर दिया जाता है। अब देखिए, सरकारी एग्ज़ाम की साइट है, इसमें कभी भी फेक नहीं आता है। अब सबसे ऊपर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि नेवी SSR के ऑनलाइन फॉर्म और आपके न्यू अपडेट में भी आज के थर्ड कॉलम में आपको प्रोवाइडेड किया गया है नेवी SSR फॉर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो सारी चीज़ें दी गई है, जनरल OBC का ऑल ओवर इंडिया है,
यहाँ पर पोस्ट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये भी बता सकते थे 2500 पोस्ट, क्योंकि इनको क्लियर नहीं पता है। और एज लिमिट इन्होंने जो बताया है वो कहा गया है कि जिस हिसाब से एयरफोर्स ने रखी थी उस हिसाब से नेवी भी रख सके, एज लिमिट में चांसेस नहीं देगी। लेकिन फिर भी नीचे उन्होंने कहा है कि प्लीज़ रीड द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, और एज रिलैक्सेशन जो भी होगा वो इंडियन नेवी की रूल्स की तरफ से वहाँ पर प्रोवाइडेड होगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 तक दिया गया है, जो कि वास्तव में इस समय ऑथेंटिक है, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स की तरह था। क्योंकि अब हम ट्विटर अभियान चलाएंगे, फिर वहाँ पर अन्य अभियान चलाएंगे, वहाँ पर आप यदि केस भी करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स में ऐसा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सब बातें समझ चुके होंगे और अच्छी तरीके से आपको मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 99% यही डी ओ रहेगी। अब लाइक अनलाइक अनलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि रियलिटी जो है वो रियलिटी यहां पर होती है। तो मिल स्टूडियो में, लेकिन अभी मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं कि यही डीओबी रहेगी, परसेंटेज में बता रहा हूं, ज्यादा परसेंट चांस बनते हैं। और लेकिन दूसरी कंडीशन में बात करूं कि जो आपका इंडियन नेवी का नोटिस आए तो उस समय अच्छे तरीके से आपको चेक करना, अच्छे तरीके से देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।